उधर दतिया के रावतपुरा कॉलेज में दीपावली मिलन समारोह और दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश गृह मंत्री डॉ. दत्त मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए पूरे भवन को विशेष तौर पर सजाया गया। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री दत्त मिश्रा ने कहा कि दिवाली के उपलक्ष्य में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन करवाना बहुत अच्छी पहल है। सबको कोरोना संक्रमण से बचाव रखने के लिए सरकारी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। ट्रस्ट अध्यक्ष रमेश अग्रवाल के बेटे शांतनु अग्रवाल ने सभी छात्र छात्राओं, जनप्रतिनिधियों और शहर के आम नागरिकों का स्वागत किया और दीपावली की शुभकामनाएं दी। कल दावत थी, आज दावत है। कल और यहाँ पर आए हुए सारे अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सबने आके हमारे कॉलेज की बहुत गरिमा बढ़ाई है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज दिवाली का शुभ अवसर है, तो इस शुभ अवसर पर आप सभी को कल दावत थी। और आज दिवाली का शुभ अवसर है, तो इस शुभ अवसर पर आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको जैसा इसने आज दिखाया है, यहाँ पधार कर हमारे इतने कम समय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग जो है हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, तो जैसा कि हम लोग क्या कहना है इस मामले में, कोई एनजीटी के आदेश के संबंध में उन्होंने निकाला होगा। जो जो आए सब खूब धूमधाम से जो जो आए दीपावली का पर्व मनाए, खूब फटाके चलाए, कोई समय सीमा नहीं है। हमारा त्योहार है, उमंग और उत्साह और आनंद के साथ में मने। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करो, कोई समय का बंधन मेरे ध्यान में नहीं आता है। एनजीटी का होगा, मैं नहीं कहता कि नहीं होगा। हमको तो सबको आनंद से दिवाली मनाना है, खूब उत्साह से, कोई समय की सीमा नहीं।